हेलो गाइस, आई एम तमन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल्ड स्ट्रीट स्टाइल चिली चिकन की रेसिपी, जिसे कि हम लोग पार्टी में, दावतों में या शादियों में जब हम लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पर ये चिली चिकन, बच्चे हों या बड़े हों, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक़ से इसे खाना पसंद करते हैं। तो बस आज मैं वही सेम चिली चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ में, जो कि आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। बहुत ही ज़्यादा ये फेमस डिश है गाइस। इसे ना स्ट्रीट स्टाइल रेस्टोरेंट पे लोग बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में इसे इतना ज़्यादा आसान से मेथड के साथ में शेयर करूँगी कि जो कि ऊपर से तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी होगा और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी जूसी बन के रेडी होगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी स्पाइसी स्पाइसी चटपटा सा, जो कि बच्चे हों या बड़े हों, सभी का ये फेवरेट है, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और जो ये इसमें ग्रेवी होती है ना, उसकी कोटिंग जो होती है इतनी टेस्टी होती है कि हर बाइट में आपको एक अलग सा टेस्ट आएगा। इसकी ग्रेवी तो इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि आप इसे खाली भी खा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बना लेते हैं ये टेस्टी सा चिली चिकन। तो इसे बनाने के लिए हमें, आइए देख लेते हैं कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए और किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है चिकन। मैंने चिकन बोनलेस लिया है, आप चाहें ना तो हड्डियों के साथ भी ले सकते हैं। मैंने 400 ग्राम लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लें जितना भी आप बनाना चाह रहे हो। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि इसके हमें छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, चाहे आप करवा के ले आएँ और चाहे ख़ुद घर में कर लें। और इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें सबसे पहले जाने वाला है अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, तो टू स्पून मैंने लिया है अदरक का पेस्ट और टू ही स्पून मैंने इसमें लिया है लहसुन का पेस्ट। और इसी के साथ इसमें जाएगा नमक, और इसी के साथ आप इसमें ऐड कर दें रेड चिली पाउडर, जो कि नॉर्मल हम लोग डेली यूज़ में लेते हैं ना, बस ये वही रेड चिली पाउडर है। और इसी के साथ आपको इसमें ऐड कर देना है चिकन मसाला पाउडर, जो कि 1 स्पून लेना है। अच्छा, अगर आपके पास में ये चिकन मसाला पाउडर नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, आप इसकी जगह गरम मसाले का पाउडर भी सेम क्वांटिटी में ले सकते हैं। और 1 टीस्पून आपको इसमें ले लेना है काली मिर्च का पाउडर, और इसी के साथ आपको इसमें 1 टीस्पून ले लेना है हल्दी पाउडर। अच्छा, स्ट्रीट में जो मिलता है ना, उसका कलर देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, रेड रेड सा होता है, तो इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फूड कलर। वैसे टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं, बट मैं शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ही स्ट्रीट स्टाइल ना, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी इसमें ऐड कर देना है मैदा। तो मैदा ना आपको अच्छे से इसमें ले लेना है 1 टेबल स्पून, फुल अच्छे से भर के मैदा ले लेना है। और इसी के साथ आपको 2 स्पून कॉर्न फ्लोर ले लेना है। तो इससे ना ये मैदा और जो कॉर्नफ्लोर है ना, इससे हमारा ये चिली चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अच्छा, इसके मसाले इस पर अच्छे से सब कोट हो जाएं, इसके लिए एक अंडा भी लेना है। तो आपको अंडे को लेना है और इसमें ऐड कर देना है। अंडे से जो मसालों की कोटिंग है ना, वो अच्छे से इस पर चिपक जाएगी, निकलेगी नहीं। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से लेने के बाद में मिक्स करना है। तो आप इसकी मिक्सिंग ना परफेक्ट कर लें, बहुत अच्छे से आप अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से इसे मिक्स करें। और अगर आप कंफर्टेबल हैं ना, तो आप स्पून या स्पैचुला की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि फिंगर टिप्स की हेल्प से आप अच्छे से इसे मैश करते हुए, मिक्स करते हुए कर लेंगे, क्योंकि हमें ना सारे स्पाइसेस की कोटिंग ना परफेक्ट सारे चिकन के एक एक पीसेस के ऊपर चाहिए। तो इस टाइप से आप इसे परफेक्ट मिक्स कर लें और अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इसे फ्रिज में रख दें। तो आपके पास में अगर टाइम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और आपके पास में टाइम कम है तो आप 1 घंटा भी इसे रख दें, बट रखना आपको इसे फ्रिज में ही है। तो अभी ना मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, बोल में करके मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि थाली में रखने से ना फ्रिज में ना स्पेस ज़्यादा जाता है, और एक बोल में रखने से ना थोड़ा सा स्पेस कम जाएगा, क्योंकि हमारी फ्रिज में ना ऑलरेडी बहुत से सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रखना ज़रूरी होती हैं।
तो गाइस इस टाइप से आप ना ये चिली चिकन बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनेगा और बच्चे हों चाहे बड़े हों सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अभी मैंने एक कढ़ाई ली है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑयल ले सकते हैं, चाहे वेजिटेबल ऑयल ले लें या मस्टर्ड ऑयल। तो ऑयल को ना बहुत अच्छे से आपको हाई फ्लेम पे गरम करना है। और देखिए अभी मैंने ना ये मैरिनेशन किया हुआ चिकन निकाल लिया है और इसे कुक करने के पहले एक बार और आप अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आपको इसके वन बाई वन जितनी भी पीसेज हैं ना एक एक करके गरम तेल में डालते जाना है। तो याद रखिएगा कि पहले आपको तेल को बहुत अच्छे से तेज़ गरम करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे गरम करना है और उसके बाद में फिर आपको फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो इसे ना हाफ़ डन कर लेना है हमें, यानी कि इसे आधा कुक कर लेना है, हाफ़ कुक कर लेना है और उसके बाद में हम इसे ना डबल मेथड से फ्राई करने वाले हैं। इसको हम लोग दो बार फ्राई करेंगे। तो पहले आपको इसे हाफ़ डन करना है। तो सारे पीसेस को डालने के बाद में ना आपको दो मिनट के बाद में इसकी साइडों को चेंज कर देना है और बहुत अच्छे से इसे आपको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो मैं ना इसे टू बैच में कर रही हूँ। तो ये फर्स्ट बैच हमारा रेडी हो गया है। इसे आपको एक स्ट्रेनर में करके निकाल लेना है जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सारा स्ट्रेन हो जाए। तो इस तरह से करके मैंने इसे फर्स्ट बैच फ्राई कर लिया है और इसी तरह से करते हुए सेकेंड बैच भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो गाइस आज की ये चिली चिकन की रेसिपी कैसी लग रही है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही हो। पसंद आ रही हो ना तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और कर लिया है सो थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो देखिए गाइस अभी मैं सेकेंड बैच भी फ्राई कर रही हूँ। तो इसे भी बस इसी तरह से करते हुए सारे पीसेस को आपको वन बाय वन इसमें ऐड करते जाना है कुछ इस टाइप से। आज गाइस मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है इसलिए ना मेरी आवाज़ भी आप लोगों को कुछ चेंज लग रही होगी। तो देखिए मैंने इसे भी ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद में एक मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर दिया। इसी तरह से करते हुए सारा चिकन हमें फ्राई करके एक साइड कर लेना है। और अभी क्या करना है कि ये सेम ऑयल है जिसे अच्छे से आपको हाई फ्लेम पे खूब अच्छे से गरम कर लेना है और फिर आपको इसमें सारा चिकन एक ही बार में डाल देना है और फिर हमें इसे ज़्यादा देर तक कुक करने की ज़रूरत नहीं। बस आप एक से डेढ़ मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे और फ्राई कर लें। बस याद रखिएगा कि ऑयल को आपको बहुत अच्छे से गरम करना है, बिल्कुल तेज़ आँच पर इसे गरम कर लें और उसके बाद में इसे एक से डेढ़ मिनट आपको वापस से फ्राई कर लेना है। तो इस तरह करने से हमारे चिकन की जो सरफेस होता है ना ऊपर की जो लेयर होती है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगी और अंदर से ना बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा। अच्छा अगर आप चाहें ना तो इस स्टेज पे भी इसे खा सकते हैं, अपने पसंद की कोई भी प्यूरी हो, ग्रीन वाली प्यूरी हो, हरी वाली चटनी हो या टोमेटो केचप के साथ भी आप इसे इस स्टेज पर खा सकते हैं। बट मैं बना रही हूँ आज आप लोगों के साथ बिल्कुल ही रेस्टोरेंट और स्ट्रीट स्टाइल वाला। तो इसे हम लोग ना ग्रेवी इसकी बनाना है। तो ग्रेवी बनाने के लिए सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा ऑयल इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल था सब हटा दिया है और टू स्पून मैंने इसमें ऑयल ले लिया है। ऑयल में ना मैंने 8 से 9 लहसुन की कलियां लेके बारीक बारीक कट कर ली थी वो ऐड कर दी है और एक टुकड़ा अदरक के लेके बारीक बारीक कट कर लिया था वो भी डाल दिया है और 3 हरी मिर्च मैंने ली थी जिन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करके बीच से चीरा लगा के वो भी ऐड कर दिया है। फ्लेम को हाई रखिएगा। और अभी मैंने ना एक प्याज ले ली थी जिसे मैंने रोज़ पेटल जैसा होता है ना तो पेटल की शेप में कर लिया है और मैंने ग्रीन वाली शिमला मिर्च भी ली है। आप चाहे ना तो ग्रीन, रेड, येलो जो भी आपके पास में ईज़िली अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। ये सारे प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पर ही करना है क्योंकि जो भी स्ट्रीट की रेसिपीज़ होती हैं ना वो ज़्यादातर हाई फ्लेम पर की जाती हैं जिससे कि ना उसके अंदर एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है। अभी इसमें मैंने सबसे पहले ऐड किया है रेड चिली सॉस। तो 2 स्पून आपको ले लेना है रेड चिली सॉस और 2 स्पून ही आपको ले लेना है इसमें ग्रीन चिली सॉस और 3 स्पून आपको इसमें ले लेना है टोमेटो केचप। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मैंने टोमेटो केचप लिया है और साथ ही साथ इसमें आपको
वन स्पून ले लेना है सोया सॉस। सोया सॉस ना बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा गाइस, नहीं तो हमारे चिकन का, चिली चिकन का कलर ना थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का आ जाएगा। और इसी के साथ में वाइट विनेगर ले लेना है 1 स्पून। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से हाई फ्लेम पे ही मिक्स करना है। तो गाइस जो शादियों में या पार्टियों में चिली चिकन बनता है ना, वो सेम इसी प्रोसेस से, इसी टाइप से बनता है। अभी मैंने एक बोल में ना 3 से 4 चम्मच पानी लिया था और उसमें 1 टेबल स्पून फुल मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर को आपको इसमें डालना है और डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में ना इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसमें आपको जो ग्रेवी बन रही है ना उसमें आपको डाल देना है और इसे फटाफट चला लेना है। चाइनीज़ रेसिपीज़ जितनी भी होती है ना गाइस, सब इसी टाइप से बनती हैं हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे बनाने से उसमें स्मोकी सा फ्लेवर आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ आपको इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देना है 1/2 टी स्पून। और इसी के साथ अगर आपके पास में इजीली अवेलेबल है ना तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर ज़रूर डालें 1 टी स्पून। इससे ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और देखिए अभी आपको इसमें नमक ना ये माइंड में रखते हुए डालना है कि हमने नमक का यूज़ पहले भी किया है और जो ये हम लोगों ने सॉसेज लिए हैं ना इन सभी में भी नमक होता है। तो नमक को आपको बहुत थोड़ा सा डालना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपको इसमें ना 1/2 कप ऐड कर देना है वाटर। तो वाटर इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा मत ऐड करिएगा नहीं तो ग्रेवी हमारी लिक्विड ही हो जाएगी। तो 1/2 कप मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद में हाई फ्लेम पर हमें इसे कुक कर लेना है 1.5 से 2 मिनट के लिए। बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। 1.5 से 2 मिनट में आप देखेंगे कि जो ग्रेवी है ना वो काफ़ी थिक सी हो जाएगी। तो बस कुछ इसी टाइप की हमें ग्रेवी चाहिए, ये आप देख रहे हैं ना। तो बस इसी टाइप की आपको ग्रेवी ले लेना है और जब ये ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी तो आपको इसमें अपने चिकन को डाल देना है जो कि हमने फ्राई करके रखा था। चिकन डालने के बाद में आपको 2 से 3 मिनट इसे कुक कर लेना है अच्छे से मिक्स करते हुए। तो ये देखिए इस टाइप से आप मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद में जब 2 से 3 मिनट हो जाएं तो फ्लेम को आपको ऑफ़ कर देना है। और ऑफ करने के बाद में आपको इसे ट्रांसफ़र कर लेना है जिसमें भी आप इसे सर्व करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास में ना ग्रीन अनियन है, हरी वाली प्याज है ना, तो वो भी आप इस पर ऐड कर दें। या आपके पास में धनिया की पत्ती हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो गाइस बस इस टाइप से करके ये देखिए बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके के साथ हमारा पार्टी, दावतों वाला, शादियों वाला, रेस्टोरेंट स्टाइल, स्ट्रीट स्टाइल चिकन चिली बनके रेडी हो गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है। तो आप ना इसे सर्व अपने अकॉर्डिंग करें। ये मार्केट में जो प्लेटें आती हैं ना इस टाइप से आप सर्व करेंगे तो आपको फीलिंग बिल्कुल ही आएगी कि जैसे आप रेस्टोरेंट में या स्ट्रीट पे जा करके खाते हैं। इस टाइप से करके आप बच्चों को देंगे तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो बच्चों को ना कुछ भी अच्छे से अच्छा खिलाने के लिए, क्योंकि बच्चे ना खाने पीने में बहुत नखरे करते हैं, तो उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाएंगे तभी बच्चे अच्छे से हेल्दी रहेंगे। तो उनके खाने में आपको कुछ ट्विस्ट लाना पड़ेगा तभी बच्चे अच्छे से खुश होकर खाना खाते हैं और वो अच्छे से हेल्दी रहते हैं। तो गाइस आज की ये स्ट्रीट स्टाइल चिली चिकन की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई हो ना तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और कर लिया है सो थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो आप देख रहे हैं ना इसका लुक देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनके रेडी हुआ है हमारा ये चिली चिकन। ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से जूसी जूसी। तो जैसा भी लगे फीडबैक दीजिएगा। ओके बाय।